नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कोविड 19 के मरीजों और अस्पतालों की हुई समीक्षा, देखिए सीएम ने किन 6 बिंदुओं पर काम करने के दिए अफसरों को निर्देश। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ को निहारने के साथ अब ले सकेंगे पर्यटक झील का मजा, देखिए कहां बनेगी खूबसूरत झील। उत्तराखंड में एक और बनेगा एयरपोर्ट, दिखाएंगे कुमाऊं के किस इलाके में बढ़ेगी एयर कनेक्टिविटी। सरकार के वीकेंड लॉकडाउन का हुआ विरोध शुरू, कांग्रेस बोली पर्यटन कारोबारी और गरीब है बेहद त्रस्त। केदारनाथ आपदा में ध्वस्त हुए कुंड का होगा पुनर्निर्माण, देखिए किस कुंड से होगा भगवान शिव का जलाभिषेक। हवाई सफर का किराया अगले 3 महीने नहीं होगा कम, उड्डयन मंत्रालय ने लिया फैसला। पानी के नए कनेक्शन के लिए उपभोक्ता को चुकाना होगा मात्र 26 रुपए, व्यवस्था हुई लागू। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड 19 की प्रदेश में स्थिति की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रदेश के जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम ने सतर्कता बरतने और कोविड 19 नियमों के अनुपालन कराने को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 6 बिंदुओं में अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कोविड टेस्ट तेजी से बढ़ाने, कोविड अस्पतालों में प्रत्येक बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने, फ्रंट लाइन वर्कर की सुरक्षा का ध्यान रखने, औद्योगिक संस्थानों में कार्य भी प्रभावित ना हो और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सर्विलांस सिस्टम और मजबूत करने, कोविड अस्पतालों में सीनियर डॉक्टर को लगातार विजिट करने, सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों के लिए सुविधा देने की है। उत्तराखंड सरकार पर्यटकों को लुभाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करती नजर आ रही है, फिर चाहे वो प्राकृतिक खूबसूरती को निहारने की बात हो या फिर पर्यटक के लिहाज से नए विकल्प तलाशने की। कॉर्बेट नेशनल पार्क रिजर्व के कालागढ़ टाइगर रिजर्व डिवीजन के पाखरो पर्यटन जोन को अब पर्यटकों के लिए विकसित करने की कवायद चल रही है। रामगंगा नदी की तर्ज पर पाखरो में एक झील बनाने की तैयारी है, जिसमें पर्यटक बोटिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। CTR के अधिकारी इस योजना के काम में जुट गए हैं। कोटद्वार में कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए वन मंत्री हरक सिंह रावत की ओर से इस योजना पर जोर दिया गया था। उन्होंने बताया कि जिस तरह कालागढ़ में ढिकाला तक रामगंगा नदी को झील का रूप दिया, उसी तर्ज पर पाखरो में भी झील बनाने की योजना है। पाखरो में छोटी बड़ी नदियों के पानी को एकत्र कर झील तैयार की जा रही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल ने बताया कि पाखरो पर्यटन जोन में सोना नदी स्रोत, जसोद, पाखरो, धौलखंड, चपड़ा, सुआ नदी नालों के पानी को एकत्र कर झील की तैयारी की जाएगी। पाखरो को पर्यटक स्थल बनाने के पीछे सरकार की स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मंशा है। अगली महत्वपूर्ण खबर एक और एयरपोर्ट बनाने की है। ऊधम सिंह नगर जनपद के किच्छा में पंतनगर की तर्ज पर एयरपोर्ट निर्माण के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसके बाद मुख्य सचिव उपल कुमार सिंह ने एयरपोर्ट के लिए 1100 एकड़ में भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया है। अटरिया आनंदपुर मार्ग पर जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की करीब 1000 एकड़ भूमि को फिलहाल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए चुना गया है। एयरपोर्ट के प्रस्ताव को लेकर संभावना तलाशने से पूर्व उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर मंथन भी किया। उसके बाद वे मौके पर पहुंचे, यहां पर उन्होंने प्रस्तावित नक्शे का संभावित भूमि पर अवलोकन कर जानकारी ली है। वर्तमान में पंतनगर एयरपोर्ट में लगभग 267 एकड़ भूमि है। व्यस्ततम समय में हैंडलिंग क्षमता 50 यात्रियों की है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन जाने से यहाँ की क्षमता काफी बढ़ जाएगी, इससे आगे जाकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में भी इसको विकसित किया जा सकता है। लगभग आधा घंटा स्थलीय निरीक्षण के उपरांत टीम पंतनगर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। निरीक्षण करने पहुंची टीम ने तत्कालिक रूप से कुछ भी नहीं कहा। अनुमान लगाया जा रहा है कि उच्च स्तरीय मंथन के बाद ही शासन अपना रुख स्पष्ट करेगा। अगली महत्वपूर्ण खबर वीकेंड लॉकडाउन के विरोध की है। कोरोना मरीजों के मामलों में लगातार बढ़ रहे इजाफे को देखते हुए उत्तराखंड में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की घोषणा सरकार ने पहले ही कर दी थी। प्रदेश के 4 जिलों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लेकिन सरकार के इस फैसले के विरोध में विपक्ष सड़कों पर उतर आया है। हल्द्वानी में कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंडी समिति चेयरमैन सुमित हृदेश ने सड़क किनारे अकेले बैठकर लॉकडाउन का विरोध किया है। सुमित ने त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए वीकेंड लॉकडाउन को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से
लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। पर्यटन की दृष्टि से सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक ओर सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रही है और दूसरी ओर लॉकडाउन जैसा निर्णय ले रही है। उनकी माने तो सरकार अपने फैसले को लेकर खुद तैयार नहीं है। आगे क्या कुछ हुआ सुमित हृदेश की सुनते हैं। लॉकडाउन आप करो, संपूर्ण लॉकडाउन करो, कोई इसका विरोध नहीं करेगा, लेकिन आपने किसी की क्या मदद करी? लोग व्यापारी जो हैं, जो उनके जो लोग उनके लिए काम करते हैं, उनकी सैलरी कहाँ से निकालें? वीकेंड का समय होता है जब थोड़ी बहुत कमाई लोग इंसान कर पा रहा था, आपने उनके पेट पे लात मार दी और कोई मदद आप नहीं कर रहे हो। 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज, कहा जा रहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मिलेगा, कहाँ मिला, किसको मिला, कहाँ पैसा मिला? और राज्य सरकार को अपने राजस्व की चिंता है, इसलिए शराब की दुकानें और शराब अति आवश्यक वस्तुओं में डाल दी। दोस्तों, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। इसके अलावा इसमें कई व्यापारी भी नाराज हैं। आज प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला नैनीताल अध्यक्ष विपिन गुप्ता और जिला महामंत्री हर्षवर्धन पांडे भी सुबह 11 बजे पटेल चौक हल्द्वानी में प्रदेश सरकार की लॉकडाउन में व्यापारियों के प्रति दमनकारी नीतियों के खिलाफ सांकेतिक धरना भी देंगे। अगली महत्वपूर्ण खबर उड़ानों के किराए को लेकर है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए घरेलू हवाई सेवाओं के लिए किराए की मौजूदा व्यवस्था को 3 महीने और बढ़ा दिया है। यह व्यवस्था 24 नवंबर आधी रात तक जारी रहेगी। इसके अलावा सरकार ने घरेलू उड़ानों की क्षमता की मियाद भी 24 नवंबर तक बढ़ा दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सूचना जारी करते हुए कहा कि केवल सरकार से इजाज़त मिलने के बाद ही एयरलाइन विमान का परिचालन बढ़ा सकेगी। अभी देश में कुल क्षमता के 33% ही विमानों का परिचालन हो रहा है। सरकार ने घरेलू रूट पर हवाई किराए की मियाद 24 अगस्त रखी थी, कोरोना काल में उसे भी अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण में कई राज्य फिर से आंशिक लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर केदारनाथ में भगवान शिव के जल अभिषेक की है। उत्तराखंड के केदारनाथ में सन 2013 में आई आपदा में कई कुंड त्रासदी में दब गए थे, जिनका अब सरकार पुनर्निर्माण करने जा रही है। प्रदेश के धर्मस्व एवं सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पारंपरिक और धार्मिक महत्व के अग्निकुंड, हंसकुंड, उदन कुंड और रेतस कुंडों का पुनर्निर्माण बरसात समाप्त होते ही शुरू करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा कुंडों के पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। कुंडों के पुनर्निर्माण का कार्य AASI नामी संस्था बारिश का सीजन समाप्त होते ही प्रारंभ कर देगी। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि अमृत कुंड के कारण जल्द ही उसके जल से भगवान केदारनाथ का अभिषेक किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि उत्तराखंड में पर्यटन विभाग ने लाखा मंडल से लेकर केदारनाथ तक का इलाका महाभारत सर्किट के अंतर्गत शामिल किया है। सतपाल महाराज का कहना है कि यदि सर्किट निर्माण के लिए उन्हें धनराशि मिलती है तो वो मोटर कैरावान के माध्यम से पर्यटकों को पूरा सर्किट घुमाने का इंतजाम कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर पानी के कनेक्शन देने में पैसा बढ़ाए जाने की है। जो केवल 1 रुपये था, अब 26 रुपये होगा। पिछले दिनों CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की थी कि अब उत्तराखंड में पानी का कनेक्शन मात्र 1 रुपये में दिया जाएगा, जबकि इससे पहले नए कनेक्शन के लिए करीब 2300 रुपये से अधिक का भुगतान करना पड़ता था। बता दें कि 1 रुपये मात्र के शुल्क के साथ उपभोक्ता को 25 रुपये बतौर प्रार्थना पत्र शुल्क जमा करना होगा, यानी केवल 26 रुपये में आपको पानी का कनेक्शन ही मिल जाएगा। प्रदेश में करीब 12.75 लाख लोगों को इस योजना के तहत पानी के कनेक्शन मिलेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों को 1 रुपये में पानी का कनेक्शन देने की घोषणा की थी। बता दें कि घोषणा के 16 दिन में अपर सचिव पेयजल GB ओली की ओर से CGM जल संस्थान SK शर्मा को निर्देश देते हुए कनेक्शन चार्ज को लेकर नई व्यवस्था लागू करने के आदेश भी दिए हैं। अब ये पेयजल कनेक्शन 26 रुपए में मिल जाएगा, इससे जनता को बेहद फायदा होगा। इसके अलावा जो लोग कनेक्शन नहीं लगाना चाहते हैं, वह भी अब सस्ते दाम होने के कारण अपना पानी का कनेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।